निफ्टी में हाल ही के ट्रेडिंग सेशंस में काफी वर्स पैनिक्स देखने को मिल रहे हैं और सेंटीमेंट भी एक्सट्रीमली सेंसिटिव और वल्नरेबल हो गई है कोई भी न्यूज फ्लो पर जो मिडिल ईस्ट से आ रही है उस पर। और चिंता का विषय यह है कि चाइना में सबसे ज्यादा स्टिमुलस देखने को मिल रहा है पिछले 10 सालों में, इसलिए ऐसा लग रहा है कि विदेशी संस्थागत निवेशकों ने भारतीय इक्विटी मार्केट्स में से केवल 6 ट्रेडिंग सेशन में पिछले ₹37,000 करोड़ विड्रॉ कर लिए हैं। अपने दिन की शुरुआत समझदारी से करें। महत्वपूर्ण खबरें और दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स पर विश्लेषण के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। मार्केट ट्रेंड्स, ग्लोबल क्यूज नेगेटिव। कल के व्यापार में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 8,293 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 13,245 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे। आज सेंटीमेंट फिर डगमगाने की संभावना है। मार्केट ब्रेथ न्यूट्रल, निफ्टी के टेक्निकल्स अभी भी ओवरसोल्ड टेक्निकल कंडीशंस जताते हुए। ऑप्शंस डेटा अनुसार निफ्टी की नियर टर्म ट्रेडिंग रेंज 24,000 से 26,000 के बीच हो सकती है। इंडियन वोलेटिलिटी इंडेक्स जो कि फियर इंडेक्स है वो 15.08 लेवल्स पर ऊपर बढ़ चुका है। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 31 अक्टूबर एक्सपायरी के लिए 1.03 पर, बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 30 अक्टूबर एक्सपायरी के लिए 0.85 पर। आज के लिए निफ्टी का आउटलुक, निफ्टी में चौपिनेस और डगमगाहट देखने को मिल सकती है। अब जरा आज की थीम पर ध्यान देते हैं। सेंटीमेंट बद से बदतर होती जा रही है क्योंकि पिछले 6 ट्रेडिंग सेशंस में निफ्टी में काफी गिरावट नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है मानो दलाल स्ट्रीट पर आसमान टूट पड़ा हो। इसका मुख्य आरोप मिडिल ईस्ट में बढ़ते टेंशन को दिया जा सकता है। खास करके WTI कच्चे तेल के दाम अब $77 प्रति बैरल पर ऊपर बढ़ चुके हैं, जो कि पिछले 6 हफ्तों का सर्वोच्च स्तर है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में सप्लाई डिस्ट्रप्शन का माहौल है। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि निफ्टी के लिए अगला क्या है। सबका ध्यान अब इस हफ्ते आने वाले मैक्रो इकोनॉमिक रिपोर्ट्स पर रहेगा, जहां पे पहला US FOMC मिनट्स बुधवार 9 अक्टूबर को आने वाले हैं, दूसरा US सितंबर CPI डेटा जो गुरुवार 10 अक्टूबर को आने वाला है, साथ साथ बुधवार 9 अक्टूबर को RBI MPC आउटकम भी आने वाला है। बॉटम लाइन, अब स्ट्रीट एस्टिमेट्स अनुसार 84% चांस है कि फेडरल रिजर्व 25 बेसिस पॉइंट से नवंबर महीने में रेट कट डिलीवर कर सकते हैं और ना कि 50 बेसिस पॉइंट से। अब टेक्निकली अगर देखें तो निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 24,796, सबसे बड़ा इंट्राडे सपोर्ट निफ्टी के लिए 24,413 मार्क पर, इमीडिएट रेजिस्टेंस 25,201 मार्क पर, आज की ट्रेडिंग रेंज 24,600 से 25,100 के बीच हो सकती है, बायस न्यूट्रल, बैंक निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 50,479, बैंक निफ्टी के लिए सबसे बड़ा इंट्राडे सपोर्ट 49,654 मार्क पर, बैंक निफ्टी के लिए सबसे बड़ा रेजिस्टेंस 51,801 मार्क पर, आज की बैंक निफ्टी की ट्रेडिंग रेंज 50,000 से 51,100 के बीच हो सकती है, बायस न्यूट्रल। अब दुनिया भर में माहौल ऐसा है कि कोई भी सेंसिटिव और वल्नरेबल न्यूज फ्लो मिडिल ईस्ट से मार्केट्स को खराब कर रही है, जिसमें दलाल स्ट्रीट भी इंक्लूडेड है। निफ्टी 26,277.35 मार्क के अपने ऑल टाइम हाई से काफी नीचे गिर चुका है। कृपया ध्यान दें कि निफ्टी का 200 DMA 23,238 मार्क पर अब देखा जा रहा है। साथ साथ दलाल स्ट्रीट पर पेसिमिज्म का कारण यह भी हो सकता है कि चाइना में काफी स्टिमुलस देखने को मिल रहा है पिछले 10 सालों का। कृपया ध्यान दें कि विदेशी संस्थागत निवेशकों ने पिछले 6 ट्रेडिंग सेशंस में कुल मिलाकर 37,000 करोड़ रुपीज विड्रॉ कर लिए हैं इंडियन मार्केट्स में से। हीरो मोटर्स भी अपने DRHP डॉक्यूमेंट्स विड्रॉ कर चुका है, जिसमें वे ₹900 करोड़ IPO थ्रू रेस करने वाले थे। वोडाफोन आइडिया के शेयर प्राइस में 6.5% की गिरावट कल के व्यापार में नजर आई, जहां पे ₹8.91 का लो देखने को मिला। वोडाफोन आइडिया के स्टॉक प्राइस में डिक्लाइन इस वजह से देखने को मिल रहा है क्योंकि कंपनी ने डेडलाइन मिस किया है अपने बैंक गारंटीज को सबमिट करने की। अब डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। निफ्टी अक्टूबर फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 25,006, प्रीमियम प्लस 210, पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो निफ्टी 31 अक्टूबर एक्सपायरी के लिए 1.03 पर, बैंक निफ्टी 30 अक्टूबर एक्सपायरी के लिए 0.85 पर, मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 26,000 और उसके बाद 27,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट 55,000 स्ट्राइक प्राइस पर, मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 25,000 और उसके बाद 24,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट 55,000 स्ट्राइक प्राइस पर। फ्यूचर्स वन डे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट चेंज पर ध्यान देते हैं। लॉन्ग बिल्डअप में टॉरेंट फार्मा, LTIM, भारतीय एयरटेल, LTTS, कोफोर्ज, शॉर्ट कवरिंग में ITC, ग्लेनमार्क, बजाज फाइनेंस, परसिस्टेंट, ट्रेंट, शॉर्ट बिल्डअप में टाटा पावर, PFC, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एक्साइड और बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, लॉन्ग अनवाइंडिंग में टाटा कम्युनिकेशंस, ABFRL, दालमिया भारत, लॉरस लैब्स, हिंदुस्तान कॉपर। आज स्टॉक्स जो FNO बैंड में है वो है बंधन बैंक, BSOF, GNFC, ग्रैन्यूल्स, हिंदुस्तान कॉपर, IDFC फर्स्ट बैंक, PNB, मनप्पुरम, RBL बैंक। Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This content is purely for information and educational purpose only and in no way to be considered as an advice or recommendation.